बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है फ्राइड बीफ या तला हुआ गाय का गोश्त। ये बहुत मज़े का बनता है, आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इसको बार बार ज़रूर बनाएंगे। इससे पहले के रेसिपी का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट आपको मिल सके। इस रेसिपी के बेहतरीन नतीजे हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रिटर्न रेसिपी के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। आइए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। एक किलो गाय का गोश्त है जिसको स्ट्रिप्स में काटा है। नमक हसबे ज़ायका, कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर एक चाय का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट एक खाने का चम्मच, कचरी पाउडर दो चाय के चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट एक चाय का चम्मच, सफ़ेद सिरका दो खाने के चम्मच। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको ढक के दो घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेशन के लिए। बीफ की मैरिनेशन को दो घंटे हो चुके हैं। दरमियानी आंच के ऊपर पैन रखा है, इसमें ये मैरिनेटेड बीफ शामिल कर देंगे। हसबे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे। ढक्कन लगाकर इतनी देर तक पकाएंगे कि ये गोश्त मुकम्मल तौर से गल जाए। ये देखें बीफ अच्छी तरह से गल चुका है और पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। दरमियानी आंच के ऊपर एक ग्रिल पैन रखा है और इसमें एक से दो खाने के चम्मच तेल के डाल देंगे। मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और ओवन में बेक भी कर सकते हैं। ये देखें एक तरफ से फ्राई हो जाए तो साइड पलट लेंगे। जैसे जैसे पीसेस फ्राई होते जाएंगे प्लेट में निकालते जाएंगे। फ्राइड बीफ या तले हुए गाय के गोश्त को डिश आउट कर लिया है, अब ये रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।